डोंकी डोंकी से भारी होगा। बहुत बकवास है भाई, मत देखने आओ। चल आए प्रभास के फ्लॉप गए हो सब, ये वाला कमबैक है। नहीं बेस्ट है ये, मैंने डंकी नहीं किया, ये क्या और क्या। जिन्होंने केजीएफ देखा होगा उनको सालार इतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा था। मैं शाहरुख खान की फैन भी हूँ, मैं प्रभास की भी फैन हूँ, दोनों भाई एक नंबर विचार। कमबैक है उसका तो मैं तो बोलूंगा कि प्रभास ही छाएगा। हाँ कमबैक तो जरूर है। एक्शन सीन्स भारी था उसका। सेकंड हाफ इज गुड। कैसी लगी मूवी? एकदम मस्त था। सेम एज एक्सपेक्टेड लाइक केजीएफ है, मतलब सेम कलरेशन, मतलब ब्लैकिश कलरेशन एंड कोल माइंस वगैरह सब सब वही है। मतलब जिन्होंने केजीएफ देखा होगा उनको सालार इतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। सो एक्सपेक्टेड हाइप वगैरह एंड हीरो इंट्रोडक्शन वगैरह एंड फाइट्स मेनली, मतलब टाइप ए सर्टिफिकेट इसलिए मिला कि टाइप फाइट्स वर वेरी लाइक ब्रूटल या फिर लाइक कुछ बोलते हैं वैसे टाइप का है। सो गुड मूवी एंड प्रभास का कटआउट बहुत मस्त दिखा है एंड जो एक्शन पार्ट दिखाया प्रभास का दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। सो गुड मूवी। सो इतना हाइप नहीं मान सकते, सो वन टाइम वॉच मूवी। क्या लगता है ये प्रभास का कमबैक हो सकता है मूवी? प्रभास का कमबैक बोल सकते हैं। सो फॉर प्रभास फैंस इट्स ए वेरी फीस्ट, मतलब कैसा है कि जो एक्शन साइड देखना चाहेंगे प्रभास का सो दे विल लव हिम, बट जिसे सेम लाइक केजीएफ जो बैकग्राउंड वगैरह सब वही है, बट इतना हाइप इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। कितना एक्साइटेड हो पार्ट टू के लिए? पार्ट टू के लिए हाँ सी, अभी कैसा है कि केजीएफ जिन्होंने देखा होगा उनके लिए सालार इट विल बी लाइक रूट, इट्स लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ केजीएफ मानते हैं, बट कैसा है कि इट नॉट उतना हाइप या फिर लाइक एक्सपेक्टेशंस रखना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो बस जस्ट गो एंड एंजॉय प्रभास एक्शन साइड, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पांच में से कितना स्टार होगा सर? आउट ऑफ फाइव कितना स्टार होगा? फोर। सो आई एम नॉट अ प्रभास फैन बट आई विल रेट फोर बिकॉज उसका जो कट आउट है एंड उसको जो एक्शन बताया उनका सो इट वॉज वेरी गुड। सो इट वॉज गुड। क्या मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? आई थिंक प्रभास एंड सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा था। देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। मूवी का VFX और BGM की बात करें तो वो कैसा था? BGM गुड वाज सूटिंग द सीन दैट दे वर शोइंग स्पेशली इन वेयर एवर दे शोड प्रभास प्री इंटरवल ब्लॉक क्लाइमैक्स इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। इट्स बीन सो मेनी इयर्स सिंस वी सॉ प्रभास, बाहुबली 2 वाज समथिंग दैट वी रियली लाइक। क्या लगता है ये कमबैक होगा प्रभास का? डेफिनेटली तेलुगु ऑडियंस है तो होगा। कितना एक्साइटेड हो पार्ट टू के लिए? हम नाम बता सकते हैं या नहीं आई डोंट नो, बट डोंट टेल, या वी शुड नॉट टेल, यू शुड वॉच। क्या लगता है डंकी के साथ में एक क्लैश हो रहा है तो कितना भारी पड़ सकता है डंकी पर ये मूवी? मैं शाहरुख खान की फैन भी हूँ, मैं प्रभास की भी फैन हूँ, दोनों अलग अलग जॉनर के मूवीज है एंड मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पे डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। देख लेंगे लोग। लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फाइव कितना स्टार हो सलार के लिए? ओ मैं फैन हूं यार, राम मैं तो फाइव दूंगी, मैं फैन हूं, मैं भी फाइव दूंगी। थैंक यू थैंक्स। बहुत बकवास है भाई, मत देखने आओ। केजीएफ जैसा पिक्चर है, मत देखने आओ भाई, सच में बहुत बकवास है। डंकी देखने जाओ आप, डंकी में कंटेंट अच्छा ही है, वही सेम स्टोरी है केजीएफ जैसा ही, वही कोल माइन है, वही ब्लैक एंड वाइट है, मत देखो। बहुत बकवास, वो एक्टर है, उसका मुंह देख के लगता है वो एक्टर है, बहुत बकवास है भाई। आप डंकी देखिए। कुछ नहीं, पिक्चर आधे में एंड की है, पार्ट टू के लिए बुलाया है सिर्फ अभी, वैसा ही है। देखो हाँ, पर सिनेमेटिक शॉट्स उसके अच्छे काफ़ी कंपेयर टू डंकी। एज अ स्टोरी मैं उसे KGF से रिलेट कर पा रहा हूँ, सिमिलर लग रहा है। ओके प्रभास कैसे लगे? प्रभास हाँ मतलब अच्छा ही है, पर कंपेरिजन करे तो फिर थोड़ा कम। आउट ऑफ 5 3 मस्त है। अरे एक्शन भारी है उसका, प्रभास का एक्टिंग भी अच्छा था और डायरेक्शन तो अच्छा ही है। सर पहले ऐसा KGF से मिलता नहीं, ऐसा कुछ तो लगा नहीं उसमें, मतलब KGF जैसा मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका एक्शन वगैरह थोड़ा सा मिक्स लग रहा है, थोड़ा सा मतलब उसका ब्लैक स्टोन था इसका भी सेम है तो थोड़ा सा उसको लग रहा है सेम है। हाँ मेरे लिए तो है कमबैक है ये वाला, क्योंकि इसके पहले बहुत पिक्चर आए प्रभास के फ्लॉप गए वो सब, ये वाला कमबैक है, अच्छा है, मस्त है, एक्शन मस्त है, वो डायरेक्शन अच्छा है और एक्शन कोरियोग्राफी जिसने किया है वो बहुत बढ़िया किया उसका। अभी कल आएगा तो भी आ जाएंगे, उसमें क्या वेट है। अभी रहता तो कंटिन्यू कर लेता।
डंकी के साथ क्लैश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि डंकी को ये कर लेगा, क्योंकि डंकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है? नहीं, डंकी अभी कैसा, अभी सलार का बहुत हाइप था ना पहले से, अभी डंकी का अभी नया नया चालू हुआ था, इसलिए जवान अभी आके गए ना शाहरुख सर का, तो उसके वजह से, तो अभी अलग अलग फैन बेस है, तो उनका सबका अपना अपना ओपिनियन है। 5 out of 4.5। थैंक यू। बढ़िया। क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से प्रभास को भी एक्शन में दिखाया गया है? बेस्ट है। पार्ट टू का कितना इंतजार है? बस ये कल ही आ जाए तो। क्या बेस्ट मोमेंट लगा पिक्चर में आपको? स्टोरी जिस तरह से उसने खींची है कि वो अच्छा लगा, और वो साउथ का स्क्रिप्ट बेटर ही होता है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? नहीं, बेस्ट है। मैंने डंकी नहीं किया, ये किया और क्या। क्या लगता है डंकी को पीछे कर देगा? एक्शन फिल्म का ही जमाना है भाई, हम लोग एक्शन देखने जाते हैं, जिसको कॉमेडी देखना होगा और इमोशंस देखना वो अलग जाता है। डंकी जब आया था सलार को स्क्रीन नहीं दे, पिक्चर थिएटर को जगह ही नहीं दे रहे थे, तो क्या बोलना चाहोगे जिस तरह अभी सलार अपने देख? यहाँ तो यहाँ हम लोग 7 बजे आ गए थे, पिक्चर स्टार्ट होते होते 8 बज गई, बोला डाउनलोड नहीं, पब्लिक भड़क गई थी अंदर का। और फिर भी मैं जितनी बार भी सुबह आता हूँ ना, तो एटलीस्ट सुबह का शो इतना भरा नहीं रहता जितना ये पूरी भरी हुई थी। बाकी एनिमल भी थी तो सुबह इतनी नहीं भरी हुई थी, तो बाद में भरी होगी। भाई एक नंबर पिक्चर अच्छी लगी, एकदम खतरनाक। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, सस्पेंस भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है उसमें, स्टोरी तो बहुत अच्छा। कैसा लगा मूवी के भाई? एकदम सॉलिड भाई, कम बैक है उसका तो मैं तो बोलूंगा, क्योंकि आफ्टर आदि पुरुष उसका कम बैक ही अच्छा, बहुत अच्छा कम बैक तक की इतनी फ्लॉप के बाद लग रहा है ये कम बैक है। हाँ राइट। और मूवी की बात करें तो BGM जो था वो BGM सेम KGF, क्या लगता है KGF का रिकॉर्ड तोड़ेगी? रिकॉर्ड उसका तो नहीं पता, लेकिन है तो बहुत अच्छी KGF है भाई, KGF है। मैं एक्साइटेड हूं पार्ट 2 के लिए भाई, बहुत हुआ है, बहुत बहुत एकदम सॉलिड बना के रखा है। वेट, आउट ऑफ 5 कितना स्टार दोगे? आउट ऑफ 4 5 out of 5 उससे होगा जो आपको अच्छा लगा। प्रभास की एक्टिंग मूवी का जो BGM था वो कैसा लगा? एक नंबर सही था, जो एडिटिंग वगैरह जो भी थे एक नंबर थे। एक्शन सीन्स की बात कर दो, एक्शन सीन तो फुल टू एक्शन मूवी है। क्या लगता है कमबैक है प्रभास का? अरे कमबैक मतलब एक नंबर है, पार्ट 2 प्रभास ही छाएगा। पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो? बहुत बहुत, सबको लगा था कि पार्ट 2 एंड में दिखाएगा कुछ तो, पर वो नहीं दिखाए। 5 में से कितना स्टार दोगे? 5 में से 4। मूवी तो अच्छा है। क्या अच्छा लगा मूवी के अंदर? स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, प्रभास एक्टिंग, धीरज एक्टिंग, सब अच्छा है भाई। VFX की बात करो तो VFX कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा भाई। एंड लगता है ये प्रभास का कमबैक है? हाँ, कमबैक तो ज़रूर है। मूवी की बात करो तो आपका वन ऑफ द फेवरेट सीन क्या होगा मूवी में? क्लाइमैक्स और इंटरवल बैंक। सर अभी जो प्रभास का पार्ट 1 था सलार, कितना एक्साइटेड पार्ट 2 दे? क्लाइमैक्स, आई थिंक द क्लाइमैक्स वाज सो वेल स्क्रिप्टेड दैट यू विल बी एक्चुअली वेटिंग और रूटिंग फॉर द पार्ट 2, इट वाज सो गुड। 5 में से कितना स्टार दोगे? आई एम नॉट एन लाइक मूवी, आई एम ए मूवी बफ, बट आई कैन नॉट रिव्यू ऑन ऑल, आई लाइक इट प्रीटी मच, मे बी इंडिविजुअली probably this movie will cater to certain audience, like it may not cater to all the audiences, probably this is more on the side of violence and the masses stuff, so I particularly enjoy those movies, so probably like the class audience might not like it, and again this I'm using might and I'm not sure. Thank you so much. कैसी लगी? बहुत भारी। रुको एक मिनट सर। हां, मूवी में प्रभास की एक्टिंग कैसी लगी? प्रभास तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट, जैसे वो हर टाइम करता है ये बार भी भारी लगा। सर लगता है प्रभास का कमबैक होगा ये मूवी? बहुत भारी होगा, ही डुमकी से भारी होगा। सर मूवी के अंदर BGM जो थे और जो उसका VFX था वो कैसा लगा आपको? मस्त, एक्सेप्शनल मस्त था। लास्टली सर 5 में से कितना स्टार होगा? आउट ऑफ 5 4 स्टार। एक्साइटेड हो पार्ट 2 के लिए? बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसा बाहुबली 2 ने पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस करके जो एक्साइटमेंट क्रिएट किया है सेम उसने इसमें भी किया है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर। क्या अच्छा लगा? डायरेक्शन अच्छा लगा, डायलॉग्स अच्छा लगा, गाना तो जबरदस्त है। हाँ, प्रभास का एक्टिंग वैसे ही बहुत अच्छा है, मतलब पिछले मतलब जो मूवीज है उसकी तरफ ही है वो डायलॉग्स एक्टिंग। क्या लगता है कमबैक होगा प्रभास का? सॉरी, प्रभास का कमबैक होगा ये? हाँ हाँ, पक्का कमबैक होगा भैया। डायरेक्शन तो अलग ही लेवल। पार्ट 2 के लिए मैं KGF 2 के लिए कितना एक्साइटेड हूँ, आई भी उतना एक्साइटेड। 5 में से कितना स्टार दूंगा? 5 में से 5 दूंगा भैया। थैंक यू। चलो
क्या अच्छा लगा मूवी में? एक्शन सीन्स भारी था उसका। सर मूवी की बात करें तो VFX और BGM जो था हाँ, वो कैसा लगा मूवी? बहुत सही था, एक एक सीन में एक्शन सीन्स में BGM बहुत क्या माहौल था अंदर जब BGM और एक्शन सीन्स आ रहे थे, सब चिल्ला रहे थे जितने भी। सर प्रवास की बात करें तो ये कमबैक हो सकता है प्रवास का आदि पुरुष के बाद? डेफिनेटली नहीं, आदि पुरुष मतलब मैंने देखा नहीं लेकिन पता है, रिव्यूज से पता है, लेकिन सलार बहुत सही था। सर सेम टाइम पे दो मूवी आई डंकी एंड सलार, क्या लगता है कौन सी भारी पड़ेगी? मैंने तो अभी फिलहाल सलार ही देखी तो मेरे को तो लगता है सही रहेगा, डंकी भी सही रहेगा। आउट ऑफ 5 कितना स्टार लगे? 4.5। एंड यू मैम? 5। सेकंड हाफ इज गुड, फर्स्ट हाफ इज लाइक इट्स स्लो बट इट्स गुड, द फाइट्स एंड एवरीथिंग इज awesome. The Prabhas only as if I am the Prabhas fan, I will see only Prabhas. Sir, Adi Purush ke baad ek comeback ho sakte? Yeah, it's the best comeback. Yeah. Technically aap flash kar rahe, kya lag raha hai? Yeah, bas bas. Thank you. Bas bas, super super. Kya bolna chahoge Prabhas ko? Adi Purush ka ye comeback hai? Ha, comeback hai. Action kaisa laga? Bas bas. Mast tha fighting, mast tha uska. Dangi ko takkar de payega? Aaram se. Second part mein kitna weight hai? अभी तो इतना इंटरेस्ट नहीं है।